हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज़ चल रही है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ मिल सकें और ताकि आप अपने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर अपनी स्टडीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मानसून नेम्स इन इंडिया, मतलब मानसून के डिफरेंट टाइम के जो नेम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, इस वीडियो में वो करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं, वो है मैंगो शावर। मैंगो शावर कहाँ बोलते थे? केरला में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंगोज़ की मतलब उस समय ग्रोथ होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंगो उगते हैं पेड़ों पे, तो इसलिए इसको कहते हैं मैंगो शावर, जो कि केरला में कहते हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप इनके नाम पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा इनको याद करना। दूसरा है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम इसे कहाँ कहते हैं? कर्नाटका में। तीसरा है छोटा प्रसाद। छोटा प्रसाद इसे कहते हैं बिहार में। अगला है काली बैसाखी, जो कि इसे कहते हैं बंगाल में। अब आपको काली बैसाखी याद करना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि मैंने काली बैसाखी बंगाल में क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने काली, आपको पता होगा काला मतलब कुछ बुरा, और काली बैसाखी इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा होता है बंगाल में, क्योंकि मैंने आपको जैसे पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स तूफ़ान वगैरह आ जाता है, तो मतलब फ्लड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा घरों में पानी भर जाता है। और अभी आपको पता है अभी मानसून गया था, मतलब अभी मानसून चल रहा था तब बंगाल में बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ वगैरह आई हुई थी। अगला है वेस्टर, जो कि कहते हैं असम में। असम में वेस्टर इसलिए कहते हैं, जैसे कि आपको पता है ईस्ट में मतलब होता है, असम मतलब ईस्ट में है, तो पर इसे वेस्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने वेस्ट से दूर है तब इसको मान सकते हैं वेस्टर। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैंगो शावर, जो कि केरला में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका, छोटा प्रसाद बिहार, काली बैसाखी बंगाल, और अगला है वेस्टर जो कि असम में। तो ये आपको पांचों नाम अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर्स में भी। और अगर मोस्टली आपको जो मिल जाएंगे 6 से लेकर 10 तक के पेपर्स अगर में मिल जाते हैं कई बार ये, और वहीं 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से असम का जो है ये वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बंगाल का काली बैसाखी, क्योंकि मोस्टली बच्चों को लगता है काली बैसाखी इसका आंसर नहीं होता, तो इसलिए आपको याद रखना है काली बैसाखी और वेस्टर, जो कि बंगाल में और असम में कहा जाता है। तो आपको ये 5 नाम ज़रूर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले पेपर्स के लिए। तो इसलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, जो आप क्लिक करके ऑल पे कर दें, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।